अगर दोस्तों आपकी शादी नई नई हुई है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर पार्टनर आपका एडल्ट्री में जा चुका है और आपके बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तो फिर बिल्कुल भी एडजस्ट करने की कोशिश मत करो। जी हाँ, अपने आप को बिल्कुल दूर कर लो। जी हाँ, जरूरी नहीं कि भाई आप उसके साथ ही रहो, बिल्कुल मत रहिए। एडल्ट्री की एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी नहीं सुधर सकती है। देख के देख लेना, आप चांस देख के देख लेना, चाहे वो आपने अपनी पत्नी को दिया होगा, चाहे पति को दिया होगा पत्नी ने, कभी भी ये चीजें नहीं सुधर सकती है। जी हाँ, और अगर आपकी शादी नई नई है, आपको पता पड़ चुका है और आपने एक बार समझा दिया, एक चांस देने के बाद भी अगर यही गलती आ रही है, तो भाई अपने आप को इतना दूर कर लीजिए उससे, कभी भी मत सोचिए। देखिए, आज के डेट में ऑप्शन बहुत चीज है, आप ये सोच लीजिए, ठीक है। सेकंड मैरिज अगर विदाउट डाइवोर्स नहीं करा तो लिव इन एडल्ट्री यहाँ भी चल रही है आज के डेट में। मैं खुल के सपोर्ट करता हूँ वैसे लोगों को जो वाकई पार्टनर ही गलत है, जो कि वाकई उसके साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता। स्टार्टिंग आपकी लाइफ ऐसी खराब हो रही है जो कि वाकई आपने चांस देके भी देख लिया, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, सिंपल सी बात है। देखिए, आपकी शादी को 20 साल 25 साल हो गए तो कहीं ना कहीं होता है कि साल बच्चों के लिए एडजस्ट कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन जब आपके बाल बच्चे हुए नहीं, आपकी शुरुआती ही खराब हो रही है, आपकी शुरुआत ही खराब हो रही है, तो फिर 1% भी चांस मत दीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ आपको, आप टाइम वेस्ट करोगे, मनी वेस्ट करोगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला, और एंड में जाके आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इससे जो आपका एक कीमती समय है उसको बचा के रखो हमेशा, ये बात आप माइंड में फिट कर।